हेलो स्टूडेंट्स, सेकंड क्लास। बेटा आज हम सेकंड चैप्टर की वर्कशीट डिस्कस करेंगे। सेकंड चैप्टर है आपका पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर। बच्चे फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स है। हमें एक बॉक्स रेफर किया गया है जिसकी हेल्प से हमें इन ब्लैंक्स को फिल करेंगे। तो फर्स्ट इज डैश ऑटोमेटिकली स्टोर्स द डाटा दैट वी सेव। बेटा ऐसी कौन सी चीज़ है वो अपने आप ही हमारा डाटा को सेव कर देती है? तो इसका आंसर आएगा हार्ड डिस्क। बच्चे हार्ड डिस्क में हमारा डाटा सेव होता है। सेकंड इज अ डैश इज़ यूज्ड टू रिकॉर्ड डिफरेंट साउंड्स एंड योर वॉइस इनटू अ कंप्यूटर। बच्चे ऐसा कौन सी चीज़ होती है जिसमें हम अपनी वॉइस रिकॉर्ड कर सकते हैं? तो इसका आंसर है माइक्रोफोन। अ माइक्रोफोन इज़ यूज्ड टू रिकॉर्ड डिफरेंट साउंड्स को रिकॉर्ड करने के लिए यूज़ किया जाता है और अपनी वॉइस हम इसमें कंप्यूटर में रिकॉर्ड कर सकते हैं। थर्ड इज डैश आर यूज्ड टू हियर साउंड म्यूजिक एंड अदर साउंड इफ़ेक्ट्स स्टोर्ड इन अ कंप्यूटर। बच्चों माइक्रोफोन तो वो डिवाइस होती है जिसमें हम अपनी वॉइस भी रिकॉर्ड कर सकते हैं, और अनदर डिवाइस जो होती है वो होती है स्पीकर, जिसमें हम साउंड म्यूजिक को सुन सकते हैं। इसका आंसर आएगा स्पीकर्स। फोर्थ इज डैश कीप्स द कंप्यूटर रनिंग इवन आफ्टर अ पावर कट। बच्चे ऐसी कौन सी डिवाइस होती है जो लाइट जाने के बाद भी, पावर कट होने के बाद भी कंप्यूटर को काम कंटिन्यू रखती है? तो इसका आंसर आएगा यूपीएस। बच्चे यूपीएस एक ऐसी डिवाइस है जो लाइट जाने के बाद भी हम कंप्यूटर को थोड़े से टाइम के लिए यूज़ कर सकते हैं। फिफ्थ इज अ डैश हेल्प्स टू पॉइंट मूव एंड सेलेक्ट एन ऑब्जेक्ट ऑन द मॉनिटर। बच्चे कौन सी डिवाइस होती है जो कंप्यूटर की मॉनिटर की स्क्रीन के ऊपर किसी भी आइटम को मूव करने के लिए, सेलेक्ट करने के लिए, पॉइंट करने के लिए यूज़ की जाती है? तो इसका आंसर आएगा माउस। बच्चों माउस जो होता है वो एक पॉइंटिंग डिवाइस होती है, और माउस को हम मॉनिटर की स्क्रीन के ऊपर कोई भी आइटम सेलेक्ट करने के लिए यूज़ करते हैं। बी राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स। फर्स्ट इज अ मॉनिटर हेल्प्स यू टू टाइप। बच्चे मॉनिटर हमें टाइप करने की हेल्प करता है, तो दिस इज़ फॉल्स। कीबोर्ड की हेल्प से हम टाइप करते हैं बच्चे, मॉनिटर की हेल्प से नहीं। सेकंड हेडफोन्स आर यूज्ड व्हेन समवन वांट्स टू हियर म्यूजिक। बच्चे हेडफोन्स तब यूज़ होते हैं जब कोई म्यूजिक सुनना पसंद करता है, दैट इज़ ट्रू। हेडफोन्स को बेटा म्यूज़िक सुनने के लिए यूज़ किया जाता है। थर्ड इज यूपीएस स्टैंड्स फॉर अनवांटेड पावर सप्लाई, दैट इज़ फॉल्स। बच्चे यूपीएस की फुल फॉर्म होती है अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, सॉरी दैट इज़ फॉल्स। यूपीएस की फुल फॉर्म होती है अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। फोर्थ इज टेक्स्ट प्रिंटर ऑन अ शीट ऑफ पेपर इज कॉल्ड अ सॉफ्ट कॉपी, दैट इज़ ऑल्सो फॉल्स। बच्चे जो प्रिंटर हमें एक पेज के ऊपर हमारा डाटा टेक्स्ट प्रिंट करके देता है हम उसको हार्ड कॉपी बोलते हैं, और जो डाटा हमारा कंप्यूटर में सेव होता है उसको हम सॉफ्ट कॉपी बोलते हैं। तो ये भी हमारा फॉल्स हो जाएगा। अ कीबोर्ड हैज़ मैनी बटन्स कॉल्ड कीज, दैट इज़ ट्रू। बच्चे कीबोर्ड के ऊपर बहुत सारे बटन्स होते हैं और उनको हम कीज बोलते हैं। बच्चे ये आपकी वर्कशीट थी फिल इन द ब्लैंक्स एंड ट्रू फॉल्स। वीडियो को आपने ध्यान से देखना है, और बच्चे ये आपके आंसर्स हैं। फर्स्ट आपने ट्राई करना है कि अपने आप ही करो, और इन दोनों को आपने अपनी नोटबुक के ऊपर नोट करना है। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।